नमस्कार बंधुगण, आज मुझ पंचायत राज एडब्ल्यू सिविल रो आपण लेक्चर नहीं आसी जनरल साइंस रो फिजिक्स। तो आम फिजिक्स रो डे वन देखी ले, तो आसतु आज फिजिक्स रो डे टू देखा। आसतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। तो क्वेश्चन नंबर वन होपणकर, व्हेन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन वन कॉर्नर ऑफ रूम ऑफ द स्मेल स्प्रेड सून थ्रू आउट द रूम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलारिटी, विस्कोसिटी, डिफ्यूजन। तो यार आंसर होची आपनकर डिफ्यूजन। सबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन मानको पई, द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेकल ऑफ सुइटेबल कट डायमंड इज दैट इट हैज वेल डिफाइंड क्लीवेज प्लेन्स, इट हैज वेरी हाई ट्रांसपेरेंसी, इट हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज वेरी हार्ड। यार आंसर होची आपनकर इट हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, वेट, पोटेंशियल एनर्जी, इंपल्स। तो यार आंसर होची आपणकर वेट। से बड़ा आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो, स्केटिंग ऑन इज आइस इज अ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सरफेस ऑफ आइस इज स्मूथ, आइस इज कोल्ड, द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट्स द आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग द फिल्म ऑफ वाटर, द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट रेज इट मेल्टिंग पॉइंट। तो यार आंसर होची आपणकर सी, द प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट मेल्ट्स आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग द फिल्म ऑफ वाटर। सेबे आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हिच इज द बेस्ट यूज एज अ साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल इन पार्टीशन वॉल, स्टोन चिप्स, स्टील, ग्लास वूल, ग्लास पीसेस। तो यार आंसर होची आपणकर ग्लास वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानकर, द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो फैक्टर। तो यार आंसर होची आपणकर थ्री। से बड़ा आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, पीसेस ऑफ ए कैम्फर प्लेस ऑन वाटर मूव अबाउट रैपिडली, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलारिटी। तो ये आंसर होची आपणकर सरफेस टेंशन। से बड़ा आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, वन जूल इज इक्वल टू 10^3 अर्ज, 10^6 अर्ज, 10^7 अर्ज, 10^5 अर्ज। तो यार आंसर होची आपणकर 10^7 अर्ज। से बड़ा आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल, डाइन, न्यूटन, जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होची आपणकर पास्कल। से बड़ा आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो यार आंसर होची आपणकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। से बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानको पई, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन हैज ए स्मॉल सक्सेसिबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी, लार्ज सक्सेसिबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी, लार्ज डेंसिटी एंड लार्ज रिटेंटिविटी, स्मॉल डेंसिटी एंड लार्ज रिटेंटिविटी। तो यार आंसर होची आपणकर ऑप्शन बी, लार्ज सक्सेसिबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी। से बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन होची, मासेस ऑफ ए स्टार एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मास, अर्थ मास, सोलार मास, लूनार मास। तो यार आंसर होची आपणकर सोलार मास। से बड़ा आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडिसन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जॉनसन इफेक्ट। तो यार आंसर होची आपणकर पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। से आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और करंट, करंट, वोल्टेज, बोथ ए बी, नॉन। तो आपणकर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बोथ वोल्टेज आउ करंट उपरे डिपेंड करिथाय। तो यार आंसर होची आपणकर बोथ ए बी। से आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची, द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ब्राइटली पॉलिश मेनली टू मेक इट स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, टू मेक इट रस्ट प्रूफ, टू रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन, टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। तो यार आंसर होची आपणकर टू रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची,
बॉल बेयरिंग्स आर यूज इन साइकिल्स स्कूटर ETC टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द व्हील नन ऑफ द अबव तो यार आंसर हो रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो नो करेंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ दे हैव द सेम रेजिस्टेंस चार्ज और पोटेंशियल रेशियो तो यार आंसर हो आपणकर पोटेंशियल मिरेज इन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यार आंसर हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो इफ ए बैंड इज प्लेड ऑन द मून द साउंड विल रिवर्बरेट बी हार्ड बाय यूज फेंटली बी हार्ड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम इट डू नॉट बी हार्ड बाय एनी डिस्टेंस एट ऑल फ्रॉम इट तो यार आंसर हो आपणकर नॉट बी हार्ड एट एनी डिस्टेंस एट ऑल फ्रॉम इट से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो If lift is going up with acceleration, the apparent weight of a body is maybe more or less true weight, more than the true weight, less than the true weight, equal to the true weight. So your answer is more than the true weight. So here we have our next question. Which of the following physical quantity do not have the same dimension? Force and pressure, work and energy, impulse and momentum. वेट एंड फोर्स तो यार आंसर हो आपणकर फोर्स एंड प्रेशर से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन अ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूज नन ऑफ द अबव तो यार आंसर हो आपणकर ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूज से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपणकर पिक आउट द ओनली स्केलर क्वांटिटी पावर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंटम एवरेज वेलोसिटी तो आपणकर स्केलर क्वांटिटी होउछि पावर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि आपणकर ए पेरिस्कोप वर्क्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो यार आंसर होउछि आपणकर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रैवल्स एयर टू वाटर वाटर टू ग्लास डायमंड टू ग्लास तो यार आंसर हो आपणकर डायमंड टू ग्लास से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होक्स्ट हो आपणकर इफ ए कैरियर वेव 1000 किलो हर्ट्ज इज यूज टू कैरी द सिग्नल द लेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना विल बी तो यार लेंथ रा फॉर्मूला होची एच इक्वल टू सी बाय वी सी होची आपणकर लाइट स्पीड ऑफ लाइट और वी होची आपण वेलोसिटी ऑफ वेव तो सी इक्वल टू आम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आउ 1000 को आम मीटर कन्वर्ट कले 10⁶ हे तो आम यार आंसर आसो 300 मीटर से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो द इनफॉरमेशन ऑफ ए ब्रिलियंट कलर इन ए थिन सॉफ्ट फिल्म इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेनोमेना ऑफ पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन मल्टीपुल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन मल्टीपुल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस तो यार आंसर होची आपणकर मल्टीपुल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन होची वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन अर्थ एंड द मून जुपिटर एंड द सन प्लूटो एंड द सन तो यार आंसर होची आपणकर अर्थ एंड द सन से भाई आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची When a body is accelerated, its velocity never changes, its speed always changes, its direction always changes, its speed may or may not be changes. तो यार आंसर होची, its speed may or may not be changes. सही बात आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची, reading of a barometer going down is an indication of storm, rainflow, snow, intense heat. तो यार आंसर होची आपन को rainflow. आजर फिजिक्स लेक्चर ये समाप्त होती आज टॉप 30 क्वेश्चन मुझे आसती आपण मानी
आशा करूँ आज लेक्चर आपण मानक भल लगे भल लगे मो चैनल जॉब करना सा को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं जो बेल आइकन अच्छी ताको क्लिक करूँ तो डेली आप मोर वीडियो नोटिफिकेशन पाई एवं आपण बंधु मान सहित मो चैनल जॉब करना सा को शेयर करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।